हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे ऐसे अनोखे टिप्स लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, जो कि डेली लाइफ में काम आएगा। मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाएगा, साथ ही साथ समय की भी बचत होगी फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला टिप्स है फ्रेंड्स, इस तरीके से पुराने तकिए के कवर से लेकर, अक्सर पुराना हो जाता है, डिसकलर हो जाता है, उसे हमें यूज में नहीं लेते हैं और इसी तरीके से कवर को हम फेंक देते हैं। आज जो हम इसका यूज लेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का है ये। तो बस आपको सिर्फ करना क्या है, अब जिसका कवर हम ना यूज कर रहे हैं, रखा हुआ है, तो फ्रेंड्स उसको हम थोड़ा सा आगे में कैंची से थोड़ा सा कट लगाना है, जैसे कि आपने देखा कि हम वीडियो में कट लगाए हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो साड़ी होते हैं ना, अब कहीं पे भी हम इस तरीके से रख देते हैं तो आप देखें, ज्यादा दिन तक रखते हैं डिसकलर भी हो जाता है, नहीं तो फिर धूल गर्दे भी पड़ते हैं। अलमारी में भी रखते हैं इस तरीके से, हैंगर में सभी लोग रखते हैं, तो फ्रेंड्स वहां पे भी थोड़ा। और हमको करना क्या है, जैसे अभी ये तकिया का कवर है, तो जो भी हमारी साड़ी है इसमें करके हम रखते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अब जो यूज किए हैं, अब होता है ना कोई साड़ी जो थोड़ा सा यूज करते हैं और रख देते हैं, तो फिर आप कहीं पे भी रखते हैं तो वो गंदा हो जाता है। तो बस आपको करना क्या है, इस तरीके से अंदर में रख देना है तकिया के कवर में पेटीकोट साड़ी, और उसके बाद एक हैंगर लेना है। तो फिर हम थोड़ा सा कट नहीं किए हैं, हम ऐसे ही आप कट कर सकते हैं, तो आसानी से आपका हैंगर जो है बाहर निकल जाएगा। तो हम इस तरीके से अच्छे से सेट कर लिए हैं और ये सेट भी हो गया है। तो देखिए है ना कमाल का आइडिया, फिर आप इस तरीके से कहीं पे भी हैंग करेंगे तो ये अच्छे से हैंग भी हो जाएगा, और फिर आप अलमारी में भी रख सकते हैं इस तरीके से, या फिर बाहर में भी रख सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स, इस तरीके से पुराने टॉवेल से लेकर, अक्सर हमारे पुराने टॉवेल हो जाते हैं या फिर आप यूज करते हैं इस टॉवेल को, तो आप जो है कहीं पे भी इसी तरीके से रख देते हैं फ्रेंड्स, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज जो हम आइडिया लेकर आए हो ना, बहुत ही कमाल का है फ्रेंड्स, और बहुत ही ये हमें तो ये बहुत पसंद आया फ्रेंड्स। आप लोग जरूर बताना कि आप लोग को ये आइडिया कैसा लगा। अभी तक हमारे मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करें फ्रेंड्स। तो देखिए, एक हम यहाँ पे लिए हैं, जो चूड़ी हम यूज नहीं करते हैं उसे लेना है और इसको डाल देना है। उसके बाद एक रबर लेना है फ्रेंड्स, और इसको अच्छे से हम बना लिए हैं, देखिए कितने अच्छे से, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। और इसको हम हैंग कहाँ पर करेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। देखिए फ्रेंड्स, हम कहीं पे भी ऐसे ही रख देते हैं तो ये देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम सिंक एरिया जहाँ पे बेसिंग है, हाथ मुंह धोते हैं, वहाँ पे तौलिया का टॉवल का काम आता ही है ना, तो फ्रेंड्स आप वहाँ पे हैंग इस तरीके से कर सकते हैं बेसिंग के पास, हाथ या फिर मुंह पोछने में बहुत ही आसानी होगा और फिर जो है देखने में भी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। या आप ऐसे रख देते हैं कहीं पे भी तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो कोई भी चीज अपने घर में इस तरीके से थोड़ा सा लगाते हैं, दिमाग तो हमारा काम अच्छा भी होता है और आसान भी हो जाता है, तो है ना कमल का ये आइडिया फ्रेंड्स। देखिए चलिए अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा है। अब आगे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बारिश का सीजन है और अभी बहुत सारे चीज जो है बारिश में खराब हो जाता है, तो फ्रेंड्स ये मिर्ची जो है ना बहुत ही इसमें जल्दी फंगस लग जाता है। लाल मिर्ची लाकर रखते ही है और बहुत जल्दी फंगस लगता है, तो फ्रेंड्स ये फिर यूज करने लायक नहीं होता है, तो इससे हम फेंकना ही पड़ता है, काला काला हो जाता है तो यूज नहीं कर पाते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आप जब भी इस तरीके से लाल मिर्ची लाते हैं ना मार्केट से, तो सब डंठल को अलग कर दें, और ये डंठल को अलग करने के बाद जो भी सारा मिर्च ये बचता है ना, उसमें जितना भी आपका मिर्च है उसमें थोड़ा सा आप इस तरीके से हल्दी लेकर, 1 चम्मच, ज्यादा नहीं, ज्यादा है तो आप ले सकते हैं, और थोड़ा सा इस तरीके से छिड़क देते हैं ना, और उसको मिक्स कर कर आप कोई चीज में भी रखते हैं तो आपका मिर्च जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और 6 महीने तक भी ये खराब नहीं होगा फ्रेंड्स, इस तरीके से आप रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब इस तरीके से करके डब्बे में रख देंगे, और इस तरीके से ज्यादा भी मिर्च है तो इसी तरीके से रखने से खराब नहीं होता है। अगला है कुकर से लेकर, अब कुकर में तो खाना बनाते ही है, और कभी कभी क्या हो जाता है ना, अब ये कुकर का ढक्कन है, खाना बनाते हैं तो यहाँ से जो है इसका स्टीम बाहर आ जाता है और फिर ये जो है सही से हमारा नहीं देता है सीटी, तो फ्रेंड्स हमारा ये रबर जो है वो ढीला भी हो जाता है।
इसकी वजह से हमारे कुकर में सीटी नहीं लगती है। तो बस आपको एक काम करना है फ्रेंड्स, लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है और इस तरीके से रबर में लगा देना है। उसके बाद आप कुकर में इस तरीके से लगाकर आराम से खाना बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी सीटी आपका देगा। तो ये आप कर एक बार जरूर देखें। अगला है फ्रेंड्स इस तरीके से मेडिसिन से लेकर, अब जो डेट एक्सपायर मेडिसिन हमारे घर में पड़ा हुआ रहता है फ्रेंड्स, जिसे हम यूज में नहीं लेते हैं, तो बस आपको करना क्या है, एक लेना है और इस तरीके से आपको पाउडर बना लेना है, ठीक है। और पाउडर बनाकर इसे थोड़ा सा कुछ अभी से पाउडर तो बना लिए हैं, अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे लेना है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेना है, एक चम्मच के लगभग लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें इसमें डालना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है, ठीक है। और इसे हमें बेकिंग सोडा को तीनों को मिक्स करना है। अब हमें यूज कहाँ पे करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही कमाल का आइडिया है, इससे आपकी जो है परेशानी भी दूर हो जाएगा, दिक्कतें जो आ रही है काम तो आसान हो ही जाएगा फ्रेंड्स। तो बस इसको आपको मिक्स करना है, ये तीनों चीज को मिक्स कर लिए हैं। और मिक्स करने के बाद हमें ये तीनों चीज को, चलिए कहाँ पे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बेसिंग है, बेसिंग में बारिश में आप जानते ही हैं कितनों भी आप बेसिंग को साफ सुथरा कर लेते हैं फिर भी इसमें कीड़ा हो ही जाता है, छोटे छोटे जो खाने पीने का सामान जाता है उससे हो जाता है, और अंदर से जो है एक बेड स्मेल भी आता है, कभी कभी कॉकरोच भी इससे बाहर आने लगता है फ्रेंड्स, जब भी हम रात में से साफ सफाई कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बस करना क्या है, जब भी आप इसको साफ सफाई करते हैं और रात में सोने जाते हैं उस समय आपको करना है, बस एक चम्मच लेना है और इस तरीके से छिड़क देना है बेसिन के पास। और यहाँ पे ध्यान रहे फ्रेंड्स आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब एक दो दिन तक इस तरीके से करते हैं तो आपके जो सिंक का कीड़े मकोड़े हैं वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे। अब सिंक है या बेसिन कहीं पे भी है आपका, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से अब कॉकरोच भी आता है बाहर तो वो नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स अक्सर आप देखे होंगे बेसिन में कॉकरोच बाहर आने लगता है पाइप के द्वारा। अगला है लहसुन से लेकर, अब ये लहसुन हम दो तीन कली छील लिए हैं फ्रेंड्स, उसके बाद छीलने के बाद इसे कट कर लिए हैं। अब इसे कट करने के बाद हमें करना क्या है, खरबट्टे में डाल लेना है और इसे हमें थोड़ा सा दरदरा कूट लेना है फ्रेंड्स। अब इसे कूट कर हमें करना क्या है, दो लौंग लेना है, दो चार लौंग लेकर इसे भी हमें दरदरा कूट लेना है। अब इसे जो है कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, एक चम्मच तेल देंगे, ज्यादा नहीं देना है, एक चम्मच देना है बस। और ये जो लहसुन लौंग ये सब जो है हम इसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, थोड़ा सा नीम का पत्ता इसमें डालेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा पका लेंगे और ये पक जाएगा फ्रेंड्स। तो एक कोटन लेना है, अब वो कोटन में हमें इसको भर लेना है और फिर इसे एक बाती की तरह बना लेना है। अब ये बाती तो बन गया फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही काम का चीज है। बारिश में आप देखेंगे बहुत ही मक्खर मच्छी मक्खर रात में परेशान करता है फ्रेंड्स, तो आप शाम होते ही इस तरीके से चलाकर रख देते हैं तो फ्रेंड्स आपके घर में बिल्कुल भी मच्छर मक्खी मच्छर तो आएगा ही नहीं। आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना हो। कल मिलती हूँ न्यू वीडियो।